पीपल वेलकम बैक टू माई चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो अभी जैसे कि आपको पता है विंटर स्टार्ट हो गया है। सुबह सुबह कितना ज़्यादा नींद आता है और मैं कल रात में जल्दी सो गई थी। जल्दी मतलब 12 बजे सोई थी। रोज जब सोती हूँ पता नहीं दिमाग में ये वो चलता है तो 1-2 बज जाता है, बट कल फर्स्ट टाइम के लिए मैं 12 बजे सो गई क्योंकि मेरा स्टोमक पेन हद से ज़्यादा हो रहा था। और अभी टाइम हो रहा है 8:49 एग्जैक्ट टाइम। और आज थर्सडे है तो मैं जा रही हूँ साईं बाबा मंदिर। और हमेशा व्लॉग रील्स में आपको पता है लियो लूसी आते रहते हैं तो वो भी इंट्रो देते हैं ना आप लोगों को। लियो उठे। तो आज मैं जा रही हूँ साईं मंदिर। मैंने एक व्लॉग बनाया था शायद 3rd या 4th व्लॉग में, जो कि मैंने ये बोला था कि आप ये व्लॉग को हद से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो मैं पार्ट 2 भी लाऊंगी, वो भी बड़ा साई मंदिर चलूंगी करके। बट आप लोगों ने सपोर्ट किया बट उतना ज़्यादा व्यूज लाइक नहीं आया, तो फिर भी मैं खुश हूँ जितना आया उतना, क्योंकि तब मैं न्यूली स्टार्ट किया था, मेरा चैनल भी न्यू ओपन किया था मैंने। तो अभी जा रही हूँ बड़ा साई मंदिर को। तो वहाँ का जितना भी प्लेसेस होगा साई बाबा का मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो में बने रहना और हद से ज़्यादा सपोर्ट करो गाइस, क्योंकि 500 होने वाला है, जो कि आपको पता है ना किसी के साथ कंपटीशन होता है, तो अगर वो हमारे से लास्ट चैनल खोला रहता है या हम उनसे फर्स्ट खोले रहते हैं, मतलब ओपन किए रहते हैं चैनल, अगर उनका बढ़ जाए और हमारा वहीं का वहीं रह जाए तो कितना कैसा हर्ट होता है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये सब चीज़, पता नहीं मुझे शेयर भी करना चाहिए या नहीं, तो आप प्लीज़ हद से ज़्यादा सपोर्ट करो। जो भी मेरा चैनल को न्यू अभी देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, और मैं इससे ज़्यादा क्या ही बोल सकती हूँ, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, अपना फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करो अगर मेरा ब्लॉग्स अच्छे लगे तो। तो चले गए इस मिलते हैं एक ही बारे में वो मंदिर के पास। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, तो वहाँ से शेरनी को भी पिक करना पड़ेगा मेरे को। तो जस्ट मैं अभी उठी हूँ और पता है माइग्रेन की बैक कैमरा करके इतना ज़्यादा फॉग है ना, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो भी अभी मंदिर जाना है तो हमें नहाना पड़ेगा, तो चलिए मिलते हैं नहाने के बाद। तो प्लीज़ यार और एक बार बोल रही हूँ, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर व्लॉग्स अच्छा लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, ठीक है? तो चलिए गाइस मिलते हैं बाद में। तो गाइस अभी मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और यहाँ से निकल रहे हैं। 10 o'clock हो गया और हमेशा मेरा चप्पल लियो लूसी काट लेते हैं, और इस बार भी मेरे पास चप्पल नहीं है तो मैं ये वाला पहन के जा रही हूँ जो कि मेरा फेवरेट स्लीपर है, मैं आपको बोली थी। तो इधर देखो आप लियो लूसी कैसे किए हैं। तो चलिए आप लोगों के साथ मिलते हैं एक ही बारे में शेरनी के साथ, ठीक है? तब तक बने रहना। बहुत दिन हो गया व्लॉगिंग करते हुए, तो पता कैसे लगता है, जो स्टार्टिंग जैसे शर्म आ रहा था डिट वैसे ही शर्म आ रहा है। तो चलिए शेरनी के साथ मिलते हैं, ठीक है? पता नहीं कैसे ही लग रही हूँ मैं। मम्मी बाल बनाएगी क्योंकि मैं सिंपल सा बाल बना के आ गई थी, तो अभी मैंने निकाल दिया यहाँ, तो शेरनी का देख के मुझे मन किया, तो अभी मम्मी बाल बनाएगी और मम्मी को शर्म आ रहा है कैमरा में आने, तो मम्मी वहाँ से ऐसे ऐसे कर रही है। मैं बोली नहीं, फ्रंट कैमरा है। तो शेरनी ऐसे कुछ लगाई है तो मैं उसको बोली कि मेरे को भी लगा दो ऐसे तो मेरे को लगाएगी अभी। तो मम्मी यहाँ बाल बना रही है, छुपी है मेरे पीछे, तो पूरा बाल होने के बाद दिखाऊंगी। तो मैं तैयार हो गई हूँ, पता नहीं कैसे लग रही हूँ, कमेंट्स में बताना। ये सूखा नहीं है इसलिए मैं स्पेक्स नहीं पहन रही हूँ अभी, फिर भी मैंने पहन लिया, और हमेशा मेरा मेकओवर यही करती है इसलिए मैं क्यूट लगती हूँ शायद, और इसका तबीयत ठीक नहीं है। हम यहाँ से निकल रहे हैं। रुके हैं क्योंकि पेट्रोल बन गया है, प्रकाश पेट्रोल डलवाने, और यहाँ देखो कहीं भी जाए मेकअप नहीं रुकना चाहिए। नहीं, वो बाल बीच में आ गया था इसीलिए। गाइस हम यहाँ रीच हो गए और यहाँ पे पैर धो रहे हैं मंदिर। तो हम लोग जल्दी रीच हो गए थे तो भीड़ कम था, तो मैं और शेरनी उधर बैठे थे, तो वो आके आंटी कुछ दे रहे थे पढ़ने के लिए जो कि साईं बाबा का ही। तो आप देख सकते हो इधर अंदर भीड़ अभी कम है,
1 o'clock 2 o'clock को तो फुल हो जाता है। तो नीचे मंगल आरती खत्म होने के बाद हम ये ऊपर साइड आए तो यहाँ एक छोटू सा नंदी है, अंदर देखिए आप लोग छोटू सा साई है। मैं उधर इसलिए बात नहीं की क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने ओवर वॉइस कर दिया। और ये परायणा हॉल है और यहाँ पे शेरनी खड़ी है और ये मेडिटेशन हॉल है और अभी हम वापस बाहर जा रहे हैं। तो ये रहा बाहर का नज़ारा और इसके बाद हम फिर से नीचे चले गए और यहाँ मेरा हाथ ही नहीं लग रहा है तो शेरनी को बोली उठाने। तो यहाँ पे सभी आप महादेव को भी देख सकते हो और छोटू छोटू सा भगवान को भी प्लेस किया है और अभी हम ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा है नज़ारा पूरा। तो यहाँ भी छोटा छोटा भगवान है, एक ग्लास में आप देख सकते हो, ग्लास के अंदर भी छोटू छोटू सा भगवान को रखे हैं। तो अभी हम इधर हाथ जोड़ कर प्रणाम कर रहे हैं और बहुत अच्छा था व्यू देखा जाए तो, बहुत बड़ा था। तो यहाँ सुबह अभी फूल दे रहा है कैमरामैन को और यहाँ हम फिर से नीचे आ गए फिर से साईं बाबा के पास। तो आप देख सकते हो यहाँ साईं बाबा का कुछ रखे हैं, आई थिंक यहाँ वो विश्राम करते थे, एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती। तो बहुत अच्छा था प्लेस यहाँ पे। तो इसके बाद हम इधर थोड़ा सा प्रणाम कर रहे हैं भगवान को। हम जो उधर खाना खाए उसका वीडियो निकालने भूल गए हम, तो अभी जस्ट आके घर पहुँची हूँ और बहुत अच्छा लगा जाके और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये वाला ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना।